हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आज हम जानने वाले हैं बेटा होने के कौन कौन से लक्षण होते हैं, इस टॉपिक पर चर्चा होगी। आज की वीडियो बहुत ही खास है। अगर आपके ऑलरेडी बेटियां हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, हो सकता है थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाए। क्योंकि काफ़ी लोगों का मानना है कि अगर ये लक्षण जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी, अगर ये लक्षण मिलते हैं गर्भवती स्त्रियों में, तो काफ़ी हद तक चांस बनते हैं आपके लड़का होने के। तो मैं आपको ये बताऊंगी क्या वाकई में ये लक्षण 100% तक वर्क करते हैं या फिर नहीं, और कितने चांस आपके लड़का होने के बन सकते हैं अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो वो कौन कौन से सिम्टम हैं जो लड़का होने के संकेत देते हैं, तो आज इस वीडियो में उसी टॉपिक पर चर्चा होगी। तो बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ गाइस कि आपको वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आप 100% सच्चाई जानना चाहती हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि गाइस हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं पहले सिम्टम्स के बारे में जो लड़का होने का संकेत बताती है। पहला जो लक्षण है वो ये है कि अगर गर्भवती स्त्रियां सपने में नारियल को देखती हैं या फिर कद्दू को देखती हैं, तो ये बहुत ही बड़ा संकेत होता है लड़का होने का। ये संकेत बताता है कि आपके घर में नन्ना मुन्ना बच्चा लड़का होने वाला है। अगर ये सपना आपको आता है तो हमें कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप जान लेते हैं दूसरी निशानी के बारे में जो लड़का होने का संकेत देती है। दूसरी जो निशानी है वो ये है कि अगर गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्रियों को शुरुआती महीनों से ही बहुत ही कम भूख लगती है या फिर मुंह का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कड़वा रहता है। काफ़ी सारी ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं जिन्हें शुरुआती महीनों में कुछ भी खाने का मन नहीं करता है और मुँह का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कड़वा रहता है। अगर आपको खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट चेंजेस आ रहा है, जैसे कि खाने में कोई भी चीज़ स्वाद नहीं लगती है या फिर खाने का मन ही नहीं करता है, खास करके शुरुआती महीनों में, स्टार्टिंग में, तो ये संकेत बताता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। हालांकि ये जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं ये हमारे हार्मोन्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। आइए जान लेते हैं नेक्स्ट सिम्टम के बारे में। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो लक्षण है वो ये है कि अगर गर्भावस्था के दौरान, जैसे जैसे आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ती है और समय के अनुसार अगर आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारी गर्भवती महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका चेहरा काला सा पड़ने लगता है धीरे धीरे, और काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनका चेहरा होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगता है, चेहरे में शाइनिंग आ जाती है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में माना जाता है कि अगर गर्भवती स्त्रियों का चेहरा काला सा पड़ने लगे, मुरझाने सा लगे या फिर चेहरे पे बहुत सारे डार्क सर्कल आ जाएं, आंखों के नीचे काले घेरे से आ जाएं, पिंपल होने लगे बहुत ज़्यादा, चेहरा आपका थोड़ा भद्दा सा दिखने लगे, तो ऐसे में ये संकेत आपको बेटा होने का संकेत देता है। ये बेटा होने की निशानी मानी जाती है। वहीं अगर आपका चेहरा शाइन कर रहा है, चमकदार हो रहा है या फिर आपकी खूबसूरती दोगुना और बढ़ रही है, तो ये संकेत बताता है कि आपके घर में लड़की आने वाली है। चलिए जान लेते हैं एक और निशानी के बारे में। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो ये है कि अगर गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्रियों का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो ऐसे में चांस सबसे ज़्यादा बेबी बॉय होने के होते हैं। माना जाता है कि बेबी बॉय होने के टाइम पर एक गर्भवती महिला का वजन बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन गाइस, जो वजन बढ़ता है वो हमारे खान पान के ऊपर भी डिपेंड होता है। वहीं अगर आपका वज़न थोड़ा कम तेज़ी से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे में चांस लड़की होने के संकेत बताते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ लक्षण जो काफ़ी लोग सही मानते हैं, काफ़ी हद तक सही माने जाते हैं। लेकिन गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ, अगर आप गर्भवती हैं तो आपको इन लक्षणों पर 100% यकीन नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। सिर्फ अनुमान लगा सकती हैं लेकिन 100% आपको कभी भी श्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो लक्षण होते हैं 100% वर्क इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि ये जो लक्षण होते हैं वो हमारे हार्मोन्स, हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड होते हैं और इनका
कोई भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होता है, इन सिम्टम्स का कोई भी वैज्ञानिक साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी गलत कदम ना उठाएं, मेरा मतलब सिर्फ आपको सही जानकारी देना है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना और अपने बेबी का ज़रूर ध्यान रखें।